राम राम मेरे सभी छोटे बड़े बहन भाइया ने मेरी हाथ जोड़ के जय बाबा की जय श्री राम। और एक बहन ने कमेंट किया था कि मंगलवार की व्रत कथा डाल दो, तो मैं आज डाल दूंगी उसको शाम को ही। और इसके मैं भी दीवी बता रही हूँ और व्रत कथा भी बताऊंगी और व्रत को कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। और इस व्रत को बहन बेटी बेटे और आदमी औरतें सभी कर सकती हैं। ये भगवान तो सबके लिए है, ये है हमारे भाई के रूप में है, भगवान तो है ही सबसे बड़े, लेकिन हम मैं तो इनको भाई मानती हूँ अपने बाबा हनुमान को। और आप जिस भी रूप में वो करो तो भगवान के रूप में यो करो आप, और व्रत कराया करो इसकी, और कथा जरूर कहा करो। एक कथा कहने के बाद में गणेश महाराज की मैं है ना, उसमें बृहस्पतिवार के व्रत में नहीं डाल पाई थी क्योंकि वीडियो बड़ी होगी चली, नहीं तो मैंने वो करी तो थी एडिट, हुई नहीं। तो मैं आज गणेश की अलग से करूंगी इसके नीचे ही। अब मैं कथा शुरू करती हूँ। राम राम। एक बार एक बुढ़िया थी और वह बाबा हनुमान के व्रत कराया करती, और वह रोज उठ के नहा धो के और मंदिर में जाती, जल का लोटा ले जाती और चूरमे की पिंडी बना के ले जाती बाबा हनुमान के लिए। और वह क्या कहती, ये बाबा हनुमान सिंचू आपे में टूक दिए बुढ़ापे में। तो बाबा सुने जाते तो बहू आ गई, तो बहू थोड़ी उसी थी जो अपनी सास को समझ ना पाई और वह अपने दुखी करण लगी, उसने दुखी करण लगी। तो वह बोली, अपने आदमी तो या तो तेरी मार होगी या मैं रहूंगी, एक ही रहेंगे, एक देखे मां ने कितनी निकालेंगे, तू भी बहुत जरूरी है। और तू माँ ने सुनगी पहले, बेटा मेरी तो जिंदगी पूरी होगी और तुम बढ़िया तरिया रहो, और मैं मेरी की तो छान गाल दो, मैं उड़ रह लूंगी। अकना माँ मैं ऐसा तो ना कर सकता, बेटा करना पड़ेगा मेरे लिए। तो उसने कर दिया, कर दिया। तो बेटोड़ा में उसकी छान डाल आया, छान डाल आया, बूढ़ी अपने चली गई। बाबा हनुमान ने तो पल पल की खबर रहती हो, तो मौजूद है, हमें भी देखता, तुम्हें भी देखता है, हर प्राणी को देखता, हर दिल की भावना को समझता, किसी का भूखा नहीं हो, बस वो तो भावना कर भोग का भूखा बाबा। तो वह चली गई, वह अपने लौटी रही। बाबा हनुमान गए चूरमे का पिंडे और लोटा हाथ में ले रहे, अगले माह खाना खाओ खाना, आके ए बेटा आ गया तू कहाँ, माँ आ गया, खाना खाओ। खाना खा लिया उसने, वह अपना खूब मोटी ताजी होगी, बाबा हनुमान दोनों टाइम दे के जाता उसने रोटी चूरमा खिलाते। तो वह 2-3 दिन हो गए, बोली बड़का ने जाओ रे बासी रोटी है ये दिया, बुढ़िया ने खा लेगी, और देखा भाई संभाले मरगी का जीव है। हाँ ठीक है, बालक गए लेके, देखा तो बाबा हनुमान खड़े वहां जमान लाग रही बुढ़िया माई ने, करे बाजाए वापिस आए तो करे माँ उड़े तो एक बाबा है ना, मेरी दादी ने रोटी खिलाने लायक रहा है, करे उड़े भी कौन पूछ गया, अगवेरा ने लाल कपड़े में है और बाबा खिलावा है और चूरमा खान लायक रही मेरी दादी, तो अच्छा बेटा मैं जाएंगी, उड़े भी कौन पूछ गया। गई गई तो बोला, आप इसे खाना खिला रहे कौन हो, अक आप कौन हो, मैं तो इसके छोरे की बहू हूँ, अक मैं बाबा हनुमान हूँ। अरे बुढ़िया माई मन सिंचा करती रोज कह के आ करती मंदिर में कि ये बाबा हनुमान सिंचू आपे में टूक दिए बुढ़ापे में, तो मेरा नंबर आ गया ही, मैं अपनी माँ को संभालूंगा, आक इसे संभालेगा, क्यों संभालेगा, मैंने ना संभाल तक तो ना संभालू, इसकी तो पालंगी आऊंगी बोली, और तो नहीं बोली मैं भी जाऊंगी, बोले ना तू कैसे जाओगी, और तो पालंगी आ गई, पालंगी आ गई तो बूढ़िया बोले ले माँ बैठ ले इसमें, भगवान के घर तक आ गई, भगवान के घर तक आ गई। तो चली गई बुढ़िया बैठ के, बहू लटक ली पालंगी का, तो उस बाबा हनुमान ने गदा मार के नीचे गिरा दे, तू तो यहीं रहने के लायक है, यहीं रह, और तो इसलिए किसी को भी अपने सास ससुर को किसी को भी सताया मत करो, बड़ी यात्रियाँ जितनी सेवा हो सके बड़े बूढ़े की सेवा करो और भगवान का नाम लो, तो वे भैया कहनी थी, बोलो बाबा हनुमान की जय। अरे इसके बाद मारती जरूर कह दियो बाबा हनुमान की। अरे ईब मैं गणेश की कथा कहूंगी एक और दूसरी, इसमें बड़ी ना हो जाए कदे ना एडिट होवे, देखती हूँ मैं कह के इसी। एक बार गणेश महाराज थे, गणेश महाराज थे तो चुटकी में चावल चम्मच में दूध, बोले मेरी कोई खीर बना दो कोई खीर बना दो। तो कहने लगे इसकी कौन खीर बनाओगा, देखिए चुटकी में चावल ले रहा चम्मच में दूध। तो एक बुढ़िया थी बेचारी मेरे के सिवा कर एक
ले बेटा मैं बनाऊंगी आज यार, तो वह मले ले माँ बना दो डेग चा लाओ, तो दूध का भर गया चावड़ा की परात बढ़ गई, बढ़िया खीर बना दी। तो बहू ने के करा न्यू सोची के देखा है कि कमी थोड़ा छिट्टा ला कर चाक के देख ली। बोले ले माँ कह दे महाराज भोग लगा लेंगे, बेटा भोग लगा ले। अक माँ जो तेरी बहू ने छिट्टा ला था ना, वो मैंने ला लिया था। अकाए जूठी कर दी, अकारी माँ मैंने छिट्टा ला के न्यारी चमच मच आखी थी, कदे क्या एक कमी हो बेटी ऐसे ना करते। तो बाबा बोलिया गणेश महाराज कोई बात नहीं माँ, मैं तो भावना का भूखा हूँ, भंडारा चालू कर। भंडारा चालू कर दिया, भंडारा चालू कर दिया तो सब खा पी के पेट भर के उतनी रही। बोलिया चारू कुणा मम्मा दाब दे इस खीर ने थोड़ी थोड़ी, चारू कुणा में दाब दी खोद के मिट्टी, तो हीरे मोती जगमग आ गए। तो गणेश ने भी खाई, सब ने खाई। तो बोला माँ खीर बहुत बढ़िया प्रसाद बने, मैं एक इच्छा और पूरी करूंगा आपकी। आका अच्छा कि एक ही मांगना माँ? ठीक है बेटा, बहू तो पूछो। बोली हाँ बेटी बाबा एक इच्छा पूरी करें, के मांगू के माँ? पोता मांग ले। छोरे दौड़ गई, बेटा के मांगू माँ? के माँ चांदी का कटोरा मांग ले। ठीक है, अपने आदमी दौड़ गई, के मांगू? बहू तो कह पोता मांग ले, छोरा कह चांदी का कटोरा मांग ले, अब जो तेरा मन करो वो मांग ले। तो गई, बोले पूछा ही माँ कहाँ बेटा? तो बोली चांदी के कटोरे मर पोता खीर खा, और मैं अपनी आंखें ते देखूं। गणेश महाराज के मुंह तो निकल गई तथास्तु। तो बोले माँ आपने तो मेरे को ठग लिया, आपने तो एक और मतीन मांग ली। हाँ बेटा, तो माँ जा आज के बाद जो भी मेरी कथा कहने के बाद मेरी कथा कहेगा उसकी तीन इच्छा पूरी करूंगा, अपने अपने मन में मांग लो। बोलो गणेश महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। ये कथा थी, और राम राम बेबे। इसको कमेंट करियो और लाइक करियो, और मंगुंजिया की भी पूछ रखी थी तो मंगुंजिया भी बना के दिखाऊंगी, होली से पहले ही बना दूंगी, वीडियो डालूंगी मंगुंजिया की। जय श्री राम, जय।